अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, गच्चीबौली पुलिस स्टेशन हुदूद में एक दर्दनाक वाकया पेश आया। लक्ष्मी देवी नामी एक लड़की जिसकी 5 साल पहले शादी हुई थी और ये लव मैरिज थी। शादी से पहले लव तो क्या था, और ये सोचकर कि लव में या लव मैरिज में कुछ लेन देन का मामला नहीं होता, लेकिन शादी के 5 साल के बाद यानी 3 बच्चे होने के बाद लगातार ससुराल वालों की जानिब से रुपये और गोल्ड का मुतालबा करने लगे और ताने देने लगे। जैसे कि अमूमन होता है, अगर कोई खुशी से शादी करता है या लव मैरिज करता है तो बाद में ससुराल वालों की जानिब से हिरासा किया जाता है, अमूमन ऐसे केसेस आते हैं। इस केस में भी यही हुआ है, लगातार उसको हिरासा कर रहे थे, पैसे लाने के लिए डिमांड कर रहे थे और वो कुछ पैसे लेकर भी आई थी, लेकिन इनकी नीयत नहीं भर रही थी और लगातार पैसों का मुतालबा कर रहे थे, और अब जब मना कर दी थी तो फिर कुछ दिन के बाद घर वालों को इत्तला मिली लड़की के आपकी बच्ची फांसी डाल ली है। फौरन ये लोग आए तो ये कहा गया कि ये फांसी डाल ली थी, हमने रस्सी कट करी और इसको नीचे रखा। फौरन आनन फौरन में पुलिस को इत्तला दी गई और दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहाँ पर अब जेरे इलाज है, लेकिन हालत नाजुक बताई जा रही है। लेकिन लड़की के घर वालों का ये कहना है कि ये कत्ल करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि अगर फांसी ले तो लड़की मर जाती थी, लेकिन यहाँ पर लड़की जिंदा है, इसको मारने की पूरी कोशिश की गई और बेवश होने पर ये इनको यकीन हो गया कि ये मर गई है, लेकिन इत्तेफाक से ये लड़की जिंदा है। लेकिन पुलिस इस मामले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। ये स्टोरी कोई फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है, लेकिन जिस तरह से हमारे शहर हैदराबाद में, हमारे इस तेलंगाना में, हमारे इस मुल्क में जिस तरह से ये वाक़यात हो रहे हैं, ये वाक़यातों को रुकाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए काउंसलिंग करने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है जो चंद रुपयों के लिए बेटियों पर जुल्म करते हैं। बहरहाल, ये लड़की के भाई और इनके वालदा ने क्राइम ब्रांच से बात करते हुए सारे तफसीलात बताई। मोहम्मद मोहसिन की ये रिपोर्ट देखिए। मेरा नाम मन्नी, हमारे शोहर का नाम अमर्य नायक। 2 महीने से मेरे बच्चे टाचर डाले हैं, सोना दिला बोल के बोले, सोना दिला बोले तो अम्मा अब नहीं है, मेरे पैसे ग्रुप के पैसे आना है, तो मैं जब दिला देती अम्मा सोना बोल के बोली। जब से बंद हुआ तो सास रोज टाचर डाली उसको, ला सोना ला बोल के मारी, कहते शोक करी, कहते मार के भेजी। गाँव से आके फिर मेरे कब एक बार फोन करी, ऐसा 3-4 बार फोन करिए मेरे को, तो मैं यही बात बोल लेते गई, मैं दिलाती अम्मा तेरे को सोना दिलाती, तू क्या मुसीबत नको पड़ बोल के बोली। उसके बाद मेरे बच्ची का के आप बोली, कहते पापा मेरे को रोज टाचर दे रही, सोना दिला बोल के बोल रहे हैं। अम्मा क्या बोलना, बाबा क्या बोलना, क्या है सो नहीं है, उन लोग कहाँ गरीब है, मैं क्या बोलूँ आपा बोल के मेरे बेटी भी बोलिए, कहे दो दिन के आगे बोलिए, कल आज ऐसा कर लिए। शादी हुए कितने दिन हो, शादी होके 5 साल हो रहा। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, एक बच्ची एक बच्चा है, दोनों छोटे थे। वो बच्चे को क्या करते हैं, उनका तपस्या का तोड़ते हैं, वो होना हमारे को फांसी डाले बोल के भी नहीं है साहब, वहाँ खाली ऐसा सो के चुन्नी है, सोब है ऊपर, वो तो हाथ अच्छा मिलता है उसमें बाथरूम में, ऊपर वो फांसी भी नहीं डाले, उसको मार डाले उसको। अब मर गए सो अल्लाह मियाँ को मालूम, सब मालूम, क्या उन्हें क्या करा है वो उसको मालूम, हम लोग आँखी से तो नहीं देखे। मेरा नाम वेंकटेश है, जो आज मरते दम पे हॉस्पिटल में गिरी है वो मेरा बहन है, उनका नाम जो है लक्ष्मी देवी है, जो 5 साल के पहले जो खुद भाग के शादी कर ले, जो पसंद से शादी कर ली है, तो 4-5 साल तक अच्छे थे, अभी एक 3 महीने से कुछ उनका सास टाचर दे रहे बोल रहे हैं, हमारे को भी नहीं बोले, हमारे दीदी को बोले, मम्मी को बोले, क्या बोले कि हमारे को सोना होना, कुछ पैसे होना, ऐसा बोल के बोले थे, तो हमारा अम्मा बोले ठीक है बेटा मेरे को थोड़ा पैसा आने का है, आने के बाद में दिला दे बोल के उन्होंने बोले। तो फिर 2 दिन के बाद में भी ऐसा झगड़ा हुआ, मारता था कहते ना उनका शोहर, डेली उनको मारता था, मारने के बाद में उन्होंने हमारे दीदी को फ़ोन करके बोले, कहते दीदी ऐसा सोना होना बोल रहे, दीदी क्या करेंगे अब मैं ऐसा भाग के गए ना, मैं कैसा पूछ सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ बोल के उनको थोड़ा शर्मा के उन्होंने घर में नहीं बोले, तो इनको बोले
तो ठीक है अम्मा देखेंगे बोलेंगे दो तीन थोड़े दिन सबर करो बोल के उन्हें बोले। तो आज 11 बजे तक भी आके मिल के गए वहाँ पे घर के पास जो है उन लोगों को मिल के गए, मिल के जाके दोनों जोरू मरद दोनों घर को ऑटो में गए, बाजू वाले भी वहाँ पे देखे बोल रहे दोनों ऑटो में आए अच्छे बात करें बोल के बोल रहे। फिर जो दो बजे के बाद में हमारे को बोले भी नहीं खुद, आजू बाजू वाले आके बोले तो अरे ऐसे तुम्हारा बहन ऐसे हॉस्पिटल में है कहते हाँसी डाल लिया बोले सीरियस है बोल के बोले। तो हम भाग के जाके वहाँ पे देखे, डॉक्टर बोल रहे कि गारंटी नहीं दे सकते अम्मा और रगाँ वो सब खुल गए वो कब डाल लिए कि फांसी अभी तो नहीं डाल ली है बोल के डॉक्टर बोले। तो उन लोग क्या बोले आजू बाजू वाले रस्सी को काटे बोले, दरवाज़ा तोड़ के रस्सी को काटे बोल के उन लोग बोल रहे। वहाँ पर हम जाके अब चेक करे पूरा, वहाँ पर चेक करे तो फांसी डाल लिए जैसा भी नहीं है, अगर कुछ कट करे जैसा भी नहीं है, दरवाज़ा भी कुछ टूटे हुआ नहीं है। वहाँ पे जाके देखो तो खुद फांसी डाले जैसा दिख रहा है, वहाँ पे दो तीन चुनिया पड़े हुआ है नीचे बिस्तरा वो दो सब डाल के है फांसी डाले हुआ है। तो हम जब पुलिस को जाके कंप्लेंट किए तो पुलिस वाले भी आके यहाँ पे सब चेक करके अच्छा ठीक है यहाँ पे तो कुछ फांसी डाली है जैसा कुछ नहीं दिख रहा, हम इंक्वायरी करके जो बोल के बोले उनका अब कैसा भी हो के हमारे को थोड़ा ये होना है, हमारा बच के आना है, बच्चों को भी अच्छा रहना है। अब उन लोगों का ये क्या है भाग के जाके शादी कर लिए, जब नहीं मालूम है इन लोगों को जो हमारे को पैसे होना सोना होना ये होना बोल के जब पूछे तो हम देते कि नहीं देते कि, इससे पहले हम भी पहले बच्चे को दूसरा एंगेजमेंट भी कराए, एंगेजमेंट कराया तो ये बच्चा जो खुद उसको फ़ोन करके धमकिया दिया तो शादी कर ले तो तेरे को मार डालता हूँ वो करता हूँ ये करता हूँ बोले तो उन थोड़ा हमारे को बोले। तो वैसा बैठचीत करके बात कर लिए शौक कर लिए ठीक है अम्मा मैं तुम्हारे बेटी के पास नहीं आता वो करता बोल के बोल दिए, आधे रात में कब चले गए वो कर लिए हो गए और केस भी करे वो भी करे सब बात कर ले सब हो गया। तो हमारा बहन खुद बोले कि ऐसा करे वैसा हो गया अभी थोड़े दिन से टाचर हो रहा उनको पैसे होना सोना होना बोल के टाचर हो रहा हूँ। अभी उनका कंडीशन कैसा है? कंडीशन डॉक्टर खुद बोल रहे कि कोमा में चले गए अनकंजेक्शन में नहीं है, हम खुद दो तीन